ओके सो हाय गाइस, कैसे आप लोग। एंड आज की इस नई वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग FSX रील वीडियो एडिटिंग, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अभी के टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ट्रैवलिंग वाला। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें जो भी एनिमेशन, फिल्टर, ग्लो इफेक्ट, सॉफ्ट ग्लो जो भी यूज़ करते हैं लोग, बड़े बड़े क्रिएटर, वो सारे इफेक्ट आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। फुल ट्यूटोरियल है इस वीडियो में, सो लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। कैपकट एप्लीकेशन में आप लोगों को सारा वीडियो क्लिप ऐड कर लेना है। वीडियो क्लिप ऐड करने के बाद यहां से आप लोगों को साउंड को ऐड कर लेना है। तो यहां पे साउंड को ऐड कर लिया है, मैं प्ले करके दिखाता हूं। अब इसमें हमें बीटमार ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग को यहाँ पर म्यूट वाला ऑप्शन दिखेगा, इसे आप लोग को अनम्यूट कर देना है। अब आप लोग को क्या करना है, साउंड पे आप लोग को क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है बीट्स पे और आप लोग को ऐड बीट्स कर लेना है। तो चलो करते हैं। सो यहाँ पे गई, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पे सॉन्ग को सुन के सारा बीट मार ऐड कर लिए। अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी वीडियो क्लिप को देखना है कौन सा पार्ट सही है और आप लोगों को कुछ इस तरीके से ट्रिम करना है। अब वीडियो क्लिप पे आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है स्पीड पे और यहाँ पे कर्व पे क्लिक करना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे कस्टम वाले आइकन पर क्लिक करना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे एडिट पे जाना आप लोग को। एंड यहाँ पे आप लोग को एक ऐड बीट्स बनाना है यहाँ पे। एंड जस्ट ये वाले पॉइंट को आप लोग को नीचे के साइड कर देना है कुछ ऐसा। तो ये वीडियो कुछ ऐसा स्लो मोशन रहेगा अपना, ठीक है। सो इसे हम रखेंगे यहाँ तक, ठीक है, एक मिनट, यहाँ तक रखेंगे इस वीडियो क्लिप को। बाकी का जो वीडियो क्लिप है उसमें से भी सही पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंड वही वाला यहाँ पे ऐड करेंगे। कस्टम पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे एंड इस वाले पॉइंट को जस्ट नीचे के साइड आप लोग को कर देना। तो वीडियो कुछ ऐसा स्लो मोशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप लोग को यहाँ पर स्लो मोशन करना है। एंड ये वाली क्लिप रहेगी हमारी यहाँ तक। सो जितना भी यहाँ पे वीडियो क्लिप है, सारी वीडियो क्लिप में हम फटाफट यहाँ पे स्लो मोशन अप्लाई कर लेते हैं। ना अब वीडियो में आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है। जैसे कि ये वाला वीडियो रहा हमारा, तो इस वीडियो की वीडियो क्लिप पर क्लिक करना, एडजस्टमेंट पे जाना और यहाँ पे आप लोग को आ जाना है ये वाले टूल्स पे। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ से दो तीन कलर मिलेंगे यहाँ पे, जो कि थोड़ा थोड़ा आप लोग को यहाँ पे सैचुरेशन एंड हु को कम करना है। जैसे कि येलो वाला रहेगा, इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे एंड इसकी हु को हल्का सा कम कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे हल्का फुल्का कलर ग्रेडिंग कर लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोग क्या यानी कि थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कर देना डन। एंड यहाँ पे आप लोग को अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जितना क्लिप रहेगा सारा वीडियो क्लिप में यहाँ पे ये एडजस्टमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे अप्लाई कर लेना। जैसे कि आप लोग ये लास्ट के दो तीन क्लिप देख सकते हैं जिसमें शैडो बहुत ज़्यादा छिपी हुई है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से एडजस्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर आप लोग को शैडो पर क्लिक करके शैडो वाला पार्ट थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो आप लोग अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करना, मैंने तो ऐसे नॉर्मल आप लोग को सिखाने के लिए कोई भी लोकेशन सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या करना, आप लोग को ग्लो इफेक्ट डालना। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लो रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग वाले वीडियो में ऐसे सॉफ्ट ग्लो रहते, ज़्यादा हाई ग्लो नहीं रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना, वीडियो इफेक्ट पे जाना आप लोगों को। एंड आप लोग अभी भी यहाँ तक हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा, आप लोग के एक लाइक से इतने ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाना है रेट रूपए, जी हाँ, ये वाला जो फोल्डर रहेगा इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। एंड इसमें बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे, बट आप लोगों को जो यूज़ करना है वो बताता हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना है ये रेट्रो ब्लू, ये वाला, हाँ। तो इसका नेम आपने सुना होगा एंड कई वीडियो मैंने बताया, बट इसके एडजस्टमेंट आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे से लास्ट तक रख लेना। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी इसने ग्लो डाल के दे दिया सॉफ्ट वाला, बट इसमें थोड़ा सा हम लोग अच्छे से एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट पे आप लोगों को क्लिक करना है, इसका फिल्टर को आप लोगों को कम कर देना। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक मिनट, यहाँ पे आप लोग इसकी शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। पहले हम लोग वीडियो को ले लें, यहाँ पे देखो आप लोग को शार्पनेस मिल जाता है, तो शार्पनेस को आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये ब्लर मिलता है आप लोगों को, ये लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लर को कुछ यहाँ पे 41 के आसपास रखूँगा। एंड यहाँ पे ये ग्लो, ग्लो को भी आप लोग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 70 रखा है ग्लो को। एंड यहाँ पे ये परफेक्ट है, ठीक है। अब गई से आप लोगों को क्या करना, अपनी वीडियो में फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर के लिए आप लोगों को क्या करना, यहाँ पर फ़िल्टर पर चले जाना है। एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे फ़िल्टर भी मिलेंगे। सो जो भी फ़िल्टर आप लोग को बेस्ट लगता है, आपकी वीडियो में परफेक्ट टोन डल जाती है एक फ़िल्टर में,
तो वो फिल्टर आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि सबकी वीडियो अलग अलग रहती है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसमें आप लोगों को ढेर सारे जो कि बड़े बड़े क्रिएटर यूज़ करते हैं फिल्टर, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसे कि ये वाला है एंड एक ये है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग पे एंड ये, तो यहाँ पे एक बार चेक जरूर कर लेना, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला फ़िल्टर जो कि बहुत सारे क्रिएटर यूज़ करते हैं सिनेमैटिक वीडियोस में। तो आप लोग एक बार ये वाले फ़िल्टर को अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। बाकी इसके अमाउंट वगैरह आप लोग यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक सेट रख लेते हैं एंड इसको पकड़ के आप लोग को अपनी वीडियो में अप्लाई कर देना, लास्ट तक इसकी जो एडजस्टमेंट रहेगी। बाकी ये जो बीच बीच में कट लगाए थे, इसके पॉइंट में क्या है कि आप लोग इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इफेक्ट लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एंड यहाँ पे अमाउंट को कम कर दिया हमने, ये देखो एक जैसे कि ये हो गया, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप लोग एक बार चेक कर लेना, जो भी आप लोग को सही लगता है वो आप लोग अप्लाई करना है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई करना। बाकी आप लोग चाहते हैं अगर वीडियो में एनिमेशन ऐड करना, तो यहाँ पे वीडियो क्लिप पे क्लिक करना, एनिमेशन पे जाना और यहाँ पे कैम्बो वाले पे क्लिक करके ढेर सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे झूम बन, ठीक है, ये वाला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पेंड्रम बन, ये भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो ये वाला भी आप लोग यहाँ की यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आगे मिल जाएगा, ये देखो। इस क्लिप में हम लोग झूम बन वाला यूज़ करने वाला है एंड एक और है झूम टू, आप लोग वो वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। सो यहाँ पे हम लोग सारी वीडियो क्लिप में झूम बन वाला अप्लाई कर दें, देखो। बाकी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों को करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना, बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन आप लोग को मिल जाएंगे, कर सकते हैं। वीडियो में हमारे यहाँ पे एनिमेशन फिल्टर ग्लो सारे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। मैं आप लोग एंड इसके बाद गई आप लोग को अपनी वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाना स्पीड पे कर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जहाँ से आपने स्लो मोशन अप्लाई करा था, तो ये वाले टूल्स पे क्लिक करके आप लोग को बेटर क्वालिटी सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट पे कर देना डन। सो जितनी भी आप लोग की वीडियो क्लिप रहेंगी, सारी वीडियो क्लिप में आप लोग को ये बेटर क्वालिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका वीडियो बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखने वाला है। तो ये आप लोग को कर लेना, बाकी ले करके दिखाता हूँ कैसा बना है कैसा नहीं बना, तो आप लोग देखना। सो यहाँ पे कैसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग को ईजीएस ट्रैप में सिखा दिए कैसे आप लोग इस तरह का ट्रेवलिंग वाला FSX रील्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सो कहीं से एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना, बस आप लोग का थोड़ा सा वीडियो क्लिप अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि हमने क्या नहीं जल्दीबाजी में कुछ भी शूट कर लिया था आप लोग को सिखाने के लिए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी आप लोग क्या कि अच्छा क्लिप अगर इसमें ऐड करोगे, जो भी मैंने एडजस्टमेंट फिल्टर इफेक्ट बताएं वो अगर आप लोग ऐड कर लोगे, तो आपकी वीडियो बहुत तगड़ा दिखने वाला है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना, और जो भाई चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हम लोग को जल्दी 50K हिट करना है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करो यार, फैमिली ऑल राइटर, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वीडियो के यहां से आप लोग फुल क्वालिटी में सेव कर सकते हैं, तो और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एंड जय महाकाल का।